6/2019 को पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के भतीजे दिलराज पर हमला हुआ था, उन पर फायर हुए थे, जिसमें हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। रेलवे स्टेशन के पास ही, पुराना फुहारा चौक के पास ही उनको गिरफ्तार किया है, और उन्होंने बताया कि वो बुलेट मोटरसाइकिल पर आए थे और उससे पुरानी रंजिश थी, क्योंकि 2017 में भी उन्होंने फायर कराए किए थे। उस समय वो बच गया था, उसी मारने की नीयत से ही दोबारा 6/2019 को उन्होंने फायर किया। सर, जो पकड़े गए हैं, इन पे पहले भी कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं? हाँ, इन पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। जो शुभम है लड़का, उसके पास उसके करीब 8 मुकदमे दर्ज हैं लूट और डकैती के, और नोनी जो सूर्य प्रताप है, इस पर भी 307 व लड़ाई झगड़ा वगैरह के आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं, 4-5 मुकदमे दर्ज हैं। मनवीर है, उस पर पहला मुकदमा दर्ज है। हाँ, अभी पूछताछ से पता है, ये संपत सिंह नारा के नज़दीकी हैं और इनकी काला राणा और इसके ब्रदर है जो नोनी राणा का, तो उनके साथ इनके संबंध जुड़े हैं। नहीं, हथियार के लिए हमने उनके 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है, माननीय कोर्ट ने 2 दिन का उसका पुलिस रिमांड दिया है, उस पर हम गहन सतह पूछताछ किए जाएंगे। उनके पास और भी मुकदमे और मिल सकते हैं, और भी जो भी है हम पूछताछ करेंगे, उसके बाद पूछताछ से ही पता लगेगा कि और भी वारदात कर सकेगा।